सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है। इंडिया को अप्रोच किया गया है, इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है, क्या वजह है? हमारी गल्फ कंट्रीज में, हमारी अरब कंट्रीज में भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? राशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, छत नहीं है, चारपाइयाँ नहीं हैं और वबाएं फूटी हुई हैं। अरब कंट्रीज जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। और इंडिया जो है उसकी सिविलाइजेशन जो है यू नो वेरी वेल, और उसकी कल्चरल वैल्यूज हों और या फिर आप योगा पांडो से बात करें तो ये बहुत पुराने उनके आसन है। ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का रिएक्शन है कि सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जा रहा है योगा। और सऊदी अरेबिया में हाल ही में एक पुराना टेंपल फाउंड हुआ था, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के लोग भी पहले मूर्ति पूजक थे, लेकिन अब आपको पता है इस तरीके की चीज़ें अगर पाकिस्तानी या भारतीय मुसलमानों को पता चले तो उनका एक अलग तरीके का पागलपन दिखता है, मतलब एक अलग तरीके का हेट, ये फलाना ठिकाना, आप सब कुछ पता है, आपको कोई ऐसी बहुत नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। और योग को लेकर भी आपको इंडिया के मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों, बांग्लादेश के मुसलमानों एक अलग तरीके का हेट दिखता है, ये चीज़ जग जाहिर है, सबको पता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है, इंडिया को अप्रोच किया गया है, इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है, क्या वजूहत है इसके पीछे की, और इंडिया इन कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट देने वाला है, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है, क्या अब हमारी गल्फ कंट्रीज़ में, हमारी अरब कंट्रीज़ में भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त अरब कंट्रीज़ जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। और इसके अलावा UAE में भी मंदिर बना दिया गया, इंडिपेंडेंस डे पे सऊदी अरेबिया में उनका कौमी तराना भी पड़ा गया इंडिया वालों का। आपको क्या लगता है हमारी अरब कंट्रीज, हमारी गल्फ कंट्रीज इस वक्त इंडिया को अप्रोच करी है, रिलेशनशिप बिल्ड करी है, क्या बेनिफिट दे सकता है इंडिया इन कंट्रीज को, जो ये कंट्रीज बहुत से पापड़ बेल रही है इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए? इंडिया देखें, इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडिया में एक मेरिट के ऊपर बात होती है, पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। हम किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री वाले जो है ना वो यही समझते हैं हमसे मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा वज़ीर आज़म कहीं पे भी जाता है उन्हें पता होता है, तो हमारा तो वज़ीर आज़म खुद भी कहता है बैगर्स कांट बी चूज़र्स, तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमारा हमने पाकिस्तान का हाल क्या छोड़ा है, बात सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं ऑन मीडिया ऑन उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये सारे डमीज़ हैं, इन सब को जो है ना जो हैंडलर्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, जब अपनी जो है ना इनको पसंद करते हैं, इनको अपनी गोदी में बिठा देते हैं तो वज़ीर आज़म है, जब इनको उतार देते हैं वज़ीर आज़म शिप से उतर जाते हैं। इंडिया की बात की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों ही इस वक्त इंडिया के पीछे जो है लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इंडिया हमारे सपोर्ट पर खड़ा हो जाए, क्या ऐसी वजूहत है? इंडिया में देखें, उनके जिस कौम को ख़ुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, लोग भी उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं। हमारी कौम को अपनी इज़्ज़त का क्या ख्याल है? हमारी इम्पोर्ट्स देखें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हैं नहीं। लीडरशिप ने पिछले 30-40 साल से क्या किया, ये एक दूसरे के ऊपर सवाए इल्ज़ाम तराशियों के ये लोग कर कह रहे हैं। इंडिया की लीडरशिप देखें, वो लोग अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, मोदी को देखें, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए उसने कुछ किया है, उसने अपने मुल्क को बहुत कुछ दिया है, उसने अपनी माशियत को, अपने कंट्री की इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, उनकी एक्सपोर्ट्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम है, इस वजह से इंडिया ऊपर जा रहा है। और हमारे यहाँ हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमें हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हमारे पास है क्या, लोग हमसे तलक क्यों रखें, हमारे पास बेचने के लिए कोई चीज ही नहीं है, लोग हमसे क्यों तलक रखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज के अंदर भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, और ये बड़ा अरसे से
हो जाना था पिछली गवर्नमेंट में, कुछ ना कुछ उनकी जो हमारी फॉरेन पुलिस थी वो कदरे बेहतर थी, तो कुछ हम दोबारा से गेम के अंदर आए थे, लेकिन जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को फिर से सबसे साइड पे खड़ा कर, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं है, 75 सालों से लेकर अब तक की बात है। तो डेफिनेटली बात तो यही है कि जब हमारे मुल्क को चलाने वालों का एहतसाब नहीं होगा, हमारे न्यूट्रल्स हिसाब नहीं देंगे, जो 80% बजट वो लोग खाते हैं, जब वो उस चीज़ का हिसाब नहीं देंगे तो फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अगर गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान इसका या गुड बाय पाकिस्तान इसका ट्रेंड सेट होगा, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इमेज क्रिएट होगी पाकिस्तान की? ऑब्वियसली पहले इमेज बहुत डाउन है, और इंडिया कितना और उभरेगा? देखिए इंटरनेशनली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान बड़े अरसे से तना है। हर गुजरते दिन, हर गुजरते पल, हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते मिनट और घंटे के साथ साथ पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, रियासती इदारों के साथ, खुद हमारी सियासत के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ, हम सब मिल करके, मैं आप हम सब मिल करके जो हमने खिचड़ी पकाई है, इससे रियासत का, इससे हुकूमत का, इससे सियासत का, इससे सियासत वालों का, इससे आवाम का किसी तो और फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो मुझे किसी और के फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ कंसर्न हूँ तो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे से। मुझे अल्लाह ताला से दुआ करना ही पड़ती है, ना चार और चाहते हुए भी, चारों ना चार मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है कि पाक परवरदिगार आलम हम सब मिल करके अपने पाक वतन को जितना नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह शाम। ये वो वाहिद मुल्क है उसामा गाजी साहब, जहाँ करोड़ों लोग एक तवील अरसे से रोज़ाना सुबह उठ करके इसको नोचते हैं, खाते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। मैं किसी फरीक का नाम नहीं ले रहा, कौन ये कर रहा है कौन ये नहीं कर रहा, ये ऑडियो लीक्स हो या वो जो आने वाली वीडियो लीक्स के बारे में बातें हो रही हैं कि चैमगोइयाँ के अब फलाने की, इससे क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, किसी की भी एम्बैरेसमेंट का सबब आप बन रहे हैं। लेकिन इन दी एंड आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी हंसी उड़ रही है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ हर स्टेक होल्डर की जानिब से कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता करे, शऊर अता करे, ताकि माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाक माज़अल्लाह वो जो 71 में जो सानहा हुआ था वो वहीं तक महदूद रहे, आगे न बढ़ने पाए। परवरदिगार हमारे वतन को खुद हमारी साजिशों से महफूज रखे, क्योंकि अग्यार में किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, किसी को हमारी कोई गर्ज नहीं है, किसी को हमारी कोई, जिसको कहते हैं ना, चिंता विंता नहीं है। हम सिर्फ अपने दुश्मन आप हैं, मैं आपको घसीटने में लगा हुआ हूँ, आप उसकी टांग घसीटने में लगे हुए, हम खुद अपने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी, सऊदी अरेबिया का जो एक उन्होंने योगा को लेकर उन्होंने कंपलसरी किया है यूनिवर्सिटीज़ में। तो योगा को यार आप अगर एक एक्सरसाइज ट्रीट करते हो, एक फिटनेस के लिए, अपने हेल्दी जीवन के लिए अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली योगा का कनेक्शन बहुत है एक आध्यात्मिक रूप में, और योगा को भारत के कई मौलाना फतवा जारी कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान हो, भारत हो, वंदे मातरम, मतलब मैं अपनी धरती को नमन करता हूँ, इस बात को लेकर वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता, तो फिर तो योगा बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपने देखा अभी ये गरबा की कंट्रोवर्सी चल रही है, गरबा भी पूजा से लेकर ये संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं कि गरबा जाके डांस कर रहे हैं, गरबा एक, अगर आप पढ़ें तो नवरात्रि का सेलिब्रेशन है, पूजा और सब कनेक्शन मिलता है उसका, बट उसमें घुसना है मुसलमानों को, और नहीं घुसने देंगे तो ये क्या सेकुलरिज्म फलाना ठिकाना, पता है किस लिए घुसना है, रीज़न सबको पता है, बट इस तरीके की चीज़ों में ये सब भूल जाएंगे आप। लेकिन जब योगा की बात आएगी, वंदे मातरम की बात आएगी, राष्ट्रगान में भी आजकल नाटक होता है, तो फिर हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है हम किसी और के सामने झुकें, फलाना ठिकाना है, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, ये सब डायलॉगबाजी शुरू हो जाती है। और ये सब बहुत कॉमन चीज़ है, आप सब कुछ पता है, सबको पता चल चुका है, तो कोई ऐसी नई चीज़ तो मैं बता नहीं रहा हूँ। अब रही बात सऊदी अरेबिया की, तो भाई वो लोग हैं थोड़ा सा खुले बेचारों के, हालांकि ये सब जहर तो वहीं से आया, लेकिन अब वो खुद ये जहर से शायद बोर हो चुके हैं, तो अब वो थोड़ा सा खुले बेचारों के बन चुके हैं। आप देख रहे हो सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन रहा है,
यार सऊदी अरेबिया में क्या होगा यार, मतलब इन फ्यूचर मान लीजिए वहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो उनकी इकनॉमी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, तो वो तो ऐसी ऐसी चीज़ करेंगे वहाँ पर, कंसर्न हो गए, हर चीज़ होगी। तो उसको लेकर पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का कैसा रिएक्शन आएगा आपको पता है, पाकिस्तान के लोग तो वैसे भी, भारत के मुसलमान भी वैसे भी, कई मौलानाओं के वीडियो पढ़े कि अरबी सबसे पहले तबाह होंगे, ये होंगे वो होंगे, इस तरीके की बातें वो करते हैं कि अरब से ही मतलब मुसलमानों की तबाही आएगी, अरबी मुसलमानों की, मतलब ऐसे बहुत सारे, ओरिया मकबूल जान, जैद अहमद ने 500 बार ये वाले बातें बोली हैं और मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?